विरोध करते हैं, मांग करते हैं नियमित तौर पर भर्ती निकाले, अन्यथा कांग्रेस सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये कोई राहगीर नहीं और ना ही रैन बसेरा है। रैन बसेरा में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे राहगीरों को ठहरने में परेशानी ना हो, मगर राजस्थान के युवा बेरोजगार पिछले करीब महीने भर से अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं और इस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव। तो जरा पहले उपेन यादव के ट्वीट की गई उन मांगों को देख लीजिए। युवा बेरोजगारों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 33 दिन से गुजरात अहमदाबाद में युवा बेरोजगारों का सत्याग्रह जारी है। काफी युवा बेरोजगार कालूपुर आनंद बड़ौदा में रुके हुए हैं और काफी युवा बेरोजगार अहमदाबाद के पार्कों में सोकर अपनी रातें गुजार रहे हैं। 33 दिन बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों की सुध तक नहीं ली है, जो कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यदि कांग्रेस सरकार ने जल्द से जल्द युवा बेरोजगारों की मांगों को नहीं माना तो गुजरात में आने वाले सभी मंत्रियों का विरोध किया जाएगा। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होकर समस्या का हल नहीं हो जाता, तब तक गुजरात से राजस्थान नहीं लौटेंगे। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। अब उपेन यादव को सुनवाने से पहले उनका एक और ट्वीट दिखाते हैं, जो उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर क्यों, जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में संविदा भर्तियों का विरोध कर चुकी हैं और गुजरात में राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं, तो राजस्थान में संविदा भर्तियों का मॉडल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? इसे संविदा मॉडल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में सरकारी भर्तियों को नियमित से संविदा पर कर रही है, जबकि गुजरात में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम ठेके से और संविदा से स्थायी भर्ती करेंगे, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम राजस्थान का मॉडल लागू करेंगे। तो राजस्थान में स्थायी से संविदा पर भर्ती क्यों की जा रही है? कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आप संविदा पर भर्ती निकालकर उनका शोषण किया जाएगा, उनके साथ धोखा होगा, और आने वाले समय में जो सरकारी भर्तियां निकल रही हैं उनको रोकने की एक योजना है, शोषण करने की योजना है। राजस्थान के युवा संविदा पर भर्ती निकालने का विरोध करता है और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि संविदा पर भर्तियों को रोका जाए, नियमित तौर पर जिस प्रकार हर विभाग में पहले भर्ती आ रही है नियमित तौर पर भर्तियां निकाली जाए, अन्यथा 2023 में गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। युवाओं में आक्रोश है, हम चेतावनी दे रहे हैं, 2023 दूर नहीं है। ये संविदा पर भर्ती निकालकर युवाओं का शोषण करने के लिए एक योजना है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमें नियमित तौर पर भर्ती चाहिए, संविदा पर नहीं चाहिए। आप कह रहे हो 10,000 इंग्लिश मीडियम जो आप शिक्षकों की जो आप भर्ती कर रहे हो संविदा पर, और विभागों में ये योजना लेके आ रहे हो, इसका हम विरोध करते हैं, मांग करते हैं नियमित तौर पर भर्ती निकाले, अन्यथा कांग्रेस सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। उपेन का ये सत्याग्रह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राजस्थान से गुजरात दांडी मार्च के जरिए शुरू हुआ था। उपेन की मांग थी कि गहलोत सरकार उनकी बात सुने और उनके 20 सूत्रीय मांगों पर अपनी मुहर लगाए, मगर महीने भर से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है जिससे युवा अपने प्रदेश वापस लौट सके।